हेलो, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर-2 के जो स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के, उनके लिए ये लेक्चर सीरीज है अपनी यूनिट 2 ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जो है अकाउंटिंग। ठीक है, ये अकाउंटिंग का आपका लेक्चर नंबर 7 है एंड इसमें मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, जो लास्ट लेक्चर में मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, राइट, उससे रिलेटेड मैं सम्स डिस्कस करने वाली हूँ। किस पे है ये सम्स ऑन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लास्ट लेक्चर में 6th लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि आपको सम्स पूछे जाते हैं, राइट। तो सम्स कहाँ से पूछे जाते हैं? सम्स पूछे जाते हैं आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड सारे सम्स करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने ब्रीफली समझाया था एडमिशन क्या है, पार्टनरशिप क्या है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट इस लेक्चर से हम लोग पूरा का पूरा फोकस क्या करेंगे, सम्स पे करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे करेंगे। ठीक है, पहले देख लेंगे स्टार्टिंग में कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या, और फिर डायरेक्टली जंप करेंगे इसके ऊपर, उसके सम्स के ऊपर। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये। ठीक है, बिकॉज यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बनता है। अगर आज का आपका लेक्चर आपको देख लिया तो समझ लीजिए आपके 2 मार्क्स तो यहाँ पे आ ही गए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले समझते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या। इवन दो मैंने ये कंसेप्ट आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, बट फिर से एक बार मैं आपको करा रही हूँ सो दैट आपको एक क्विक रिविजन भी मिल जाए एंड बेटर डिटेल में समझाऊं बिफोर डायरेक्टली जम्पिंग ऑन टू द सम्स। ठीक है, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कब आती है? जब भी कोई नया पार्टनर क्या होता है, एडमिट होता है, तो वो क्या अक्वायर करता है, शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। सीधी बात है ना, जब भी कोई एडमिशन लेगा, कोई नया पार्टनर हमारा पार्टनरशिप में एडमिट होगा, तो हमें क्या देना पड़ेगा, जो ओल्ड पार्टनर से उनको क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर, ताकि नए पार्टनर को क्या मिल सके, उसके प्रॉफिट मिल सके, राइट, उसका प्रॉफिट का शेयर मिल सके। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता है। सिंपली बोलूं तो सपोज 4 लोग थे, सपोज 3 लोग थे, ठीक है, ए बी एंड सी, और तीनों को क्या करते थे 1:1 के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में क्या करते थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टाइम। ठीक है, ये क्या है, इनका ओल्ड रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या हो गया, 3 जन ऑलरेडी पार्टनरशिप में थे, अब एक चौथा पर्सन भी आ गया, सपोज 4th पर्सन आ गया, तो अब क्या होगा, अभी भी क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 रहेगा? अब ये चेंज होगा, हो सकता है ये अब बढ़ के हो जाए 1:1 हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, लेकिन कैसे डिसाइड होगा कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया कैसे निकलेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है, उसके लिए सम्स है, वो मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, बट वॉट विल बी द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर एंड हाउ ही विल acquire it from the existing partners is decided mutually among the old and the new partners। Obviously बात है, ये old ratio था, अब new profit sharing ratio निकालना है, तो उसका new profit sharing ratio कैसे निकलेगा वो तो सम करके समझ में आ जाएगा, लेकिन रियल में पार्टनरशिप में डिसाइड कैसे होता है, वो लोग आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं, फिर फॉर्मूला लगाते हैं और सम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनको मिल जाता है। ठीक है, in any case on admission of a new partner the profit sharing ratio among the old partners will change irrespective of the contribution to the profit sharing ratio of the incoming partner। सीधी सी बात है ना, कोई नया पर्सन आएगा तो वो पार्टनरशिप में आया ही क्यों, कैपिटल लेके आए है और अपने स्किल सेट लेके आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है, उसको प्रॉफिट्स में हिस्सा चाहिए, है ना। इसलिए याद रखिएगा, जब भी क्या होते है, कोई पार्टनर के एडमिशन होते हैं, तो बट ऑब्वियसली बात है वहां पे क्या पूछा जाएगा, वहां पे आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, आई होप ये पूरा बेस आपको क्लियर है अच्छे से। ठीक है, तो हम सम्स पे आते हैं अब। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल, टोटल मैंने 5 सम्स आपके लिए फाइंड आउट करके रखे हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम 5 सम्स को डिस्कस करेंगे, मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके सिखाऊंगी कैसे है क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रीड करते, समझते कैसे इसको सॉल्व करना है एंड क्या। ठीक है, अनिल एंड विशाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 लोग हैं, अनिल विशाल, का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। ठीक है, ये इनका कौन सा हुआ, ओल्ड रेशियो, इसे हम क्या कहते हैं, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्यों? क्योंकि अभी नया पार्टनर एडमिट होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा ना, नया आ जाएगा ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसलिए जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं ओल्ड रेशियो। ठीक है, इसलिए मैंने वहां पे OR लिखा। ठीक है, दे एडमिटेड सुमित एज अ न्यू पार्टनर फॉर द 1/5 शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द। अब एक तीसरा पर्सन एडमिट हो रहा है, पहले ऑलरेडी दो लोग डिस्कस कर रहे थे अनिल और विशाल, अब तीसरा पर्सन आ रहा है सुमित, और उसका शेयर कितना होगा? उसका शेयर होगा प्रॉफिट्स में 1/5। उसका जो फ्यूचर प्रॉफिट्स में शेयर होगा वो कितना होगा? 1/5। अब हमसे क्या पूछा है? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल, विशाल एंड सुमित। हमें तीनों का क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। यानी इनडायरेक्टली बोलूं तो फर्म का ही हमें क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व सिंपली करते हैं, पहले तो जो नया पार्टनर आ रहा है ना उसका शेयर लिखो। सुमित शेयर, सुमित का शेयर कितना है? जो नया पार्टनर आ रहा है पहले तो उसका शेयर देखो कितना है, 1/5 है ना। ठीक है, अगर सुमित का शेयर टोटल प्रॉफिट में 1/5 है तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा? रिमेनिंग लोगों का शेयर कितना होगा? अगर टोटल प्रॉफिट में सुमित का शेयर 1/5 है तो रिमेनिंग लोगों का कितना होगा? वो कैसे पता चलेगा? 1 - 1/5। अब आप पूछोगे मैम ये 1 कहां से आया? तो 1 इज द बेस। हम अज्यूम करते हैं कि टोटल प्रॉफिट अगर हमारा 1 होता, ठीक है, 1 को हमने बेस लिया है, 1 - 1/5। ठीक है, तो अब इसको माइनस करेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करते हैं आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं सिखा देती हूँ। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन होगी वो मैं रेड से करूंगी ताकि आपको डिफरेंस समझ। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1 का डिनोमिनेटर 1 ही होता है ना, और मेरे को माइनस करना है अगर दोनों को तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो मेरे को डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, राइट। तो 1 को क्या करूं कि आंसर 5 आएगा, मल्टीप्लाई कर दू 5 से, नीचे किया और भी करना पड़ता है, सिंपल मैक्स का लॉजिक है ना। तो 1 into 5 माइनस ये तो वैसे का वैसे ही है 1/5। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है ना, तो 5 - 1 डिनोमिनेटर इक्वल है तो मैं एक साथ लिख सकती हूँ ना, आंसर क्या आ जाएगा? 4/5। अब ये मैंने डिटेल में क्यों कराया? क्योंकि जिन लोगों को बिल्कुल भी बोलते हैं ना कैलकुलेशन नहीं समझती है उन लोगों के लिए ये आंसर आ गया 4/5 एकदम डिटेल्ड वे में। जिसको बिल्कुल भी नहीं समझता हो उनके लिए मैंने ये भी कराया, अदरवाइज आप सिंपल लॉजिक भी यूज कर सकते थे कि 1 - 1/5 है ना, सिंपल लॉजिक यूज करते थे तो 1 - 1/5 तो डायरेक्टली आप समझ सकते थे कि 4/5 आंसर आने वाला था, राइट। तो अगर आपको डायरेक्टली समझता है बहुत अच्छी बात है, तो आपको ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं समझता है उनके लिए मैं एकदम बेसिक लेवल से जाके सिखा रही हूँ। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। रिमेनिंग शेयर कितना होगा? सुमित का शेयर कितना है? सुमित का शेयर है 1/5 और रिमेनिंग लोगों का शेयर कितना होगा? 4/5। अब ये रिमेनिंग लोग कौन है? कौन थे रिमेनिंग लोग? अनिल, अनिल का शेयर और सुनील का शेयर है ना, नहीं सॉरी विशाल का शेयर, अनिल और विशाल, राइट। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अनिल का ओरिजिनल ओल्ड शेयर कितना था? ओल्ड शेयर था इसका अनिल का 3 है ना, डिवाइड बाय 3 + 2 कितना होता है? 5। ठीक है, 5 कहां से आया? जो भी दोनों नंबर होंगे उनको प्लस कर देना तो डिनोमिनेटर। विशाल का शेयर कितना है? 2 है ना, और डिनोमिनेटर क्या होगा? दोनों नंबर को ओल्ड रेशियो पे प्लस कर दो, 3 + 2 / 5। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। 3/5 और 2/5 कहां से आया? ठीक है, इन टू रिमेनिंग शेयर कितना है इनका? 4/5 है ना, 4/5 और इधर भी 4/5। ठीक है, तो 3 × 4 = 12, 5 × 5 = 25 है ना, 2 × 4 = 8, 5 × 5 = 25। ठीक है, अब ये तो क्लियर है। ये आ गया अनिल का शेयर और ये आ गया विशाल का शेयर। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। अब देखो सुमित का शेयर कितना है 1/5, इनका कितना है 12/25, इसका कितना है 8/25। अब आप देखोगे अगर ध्यान से तो इन दोनों का तो डिनोमिनेटर सेम है 25/25, इसका डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है सेम ना, इसका तो 5 है, इन दोनों का तो डिनोमिनेटर 25 है। पहले डिनोमिनेटर तो इक्वल होना चाहिए ना, है ना। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 25 आएगा? 5 से मल्टीप्लाई करूं, है ना। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो 1/5 है जो सुमित है, सुमित का शेयर कितना था 1/5 और मेरे को आंसर कितना चाहिए? मेरे को डिनोमिनेटर में तो आंसर 25 ही चाहिए क्योंकि इन दोनों का आंसर तो 25 ही है। तो मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा? 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 25 डिनोमिनेटर, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? डिनोमिनेटर 25 नीचे 5 से किया तो 25 से आंसर आ गया 5/5। अब इन तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, है ना, हो गया। तो मैं बोल सकती हूँ therefore न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको आप PSR बोलते हैं, PSR स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल आ गया ना अभी तो, 12:8:5 ये रहा आपका फाइनल आंसर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आंसर क्या आया है? 12:8:5। ठीक है, आई होप ये सम क्लियर है। मैंने एकदम बच्चों के जैसे एकदम स्लो एंड स्टडी आपके सिखाया है, जैसे जिसको बिल्कुल ही नहीं आता है तो उसको एटलीस्ट समझ में आ जाए, है ना। बाकी जिनको आता है उनके लिए तो ठीक ही है, उनको तो इजीली समझ में आ जाएगा। बट मैं एकदम स्लो एंड स्टडी एकदम बच्चों के जैसे सिखा रही हूँ ताकि आपको लिटरली समझे कि क्या हो रहा है। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट सम क्लियर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया कैसे निकाल। ठीक है, बढ़े अगले सम पे, ये क्लियर है आपको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सम पे जो कि हमारा सेकेंड सम। अक्षय एंड भारती आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये भी इनका क्या है? ओल्ड रेशियो है 3:2। दे एडमिट दिनेश एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। अब दिनेश का शेयर कितना है? 1/5 शेयर। इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म which he gets equally from Akshay and Bharti। अब इसको Akshay and Bharti से कितना मिला है? इक्वली मिला है दोनों से। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अक्षय, भारती एंड दिनेश। अभी मेरे को क्या करना है? इन तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले तो जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर ढूंढो, है ना। तो सोल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले तो दिनेश, स्टार्टिंग ही हमेशा न्यू पार्टनर से। ठीक है, आपको पेपर में इतना ऐसे बोलते हैं ना बन ठन के सॉल्व नहीं करना है, आप फटाफट करोगे। आप दिनेश लिख के इक्वल्स टू करके भी कर सकते हो और डी लिख के इक्वल्स टू करके भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पेपर में सोल्यूशन किसी को दिखाना नहीं है, आप तो ये खुद के लिए सॉल्व करो। आपको तो पेपर में से क्या करना है? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक करना है। बट यहाँ पे क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ इसलिए मैं बैठ के ना बच्चों के जैसे मैथ्स में बच्चे नहीं करते हैं बैठ के एक एक चीज लिखते हैं प्रॉपर बना के अपने फेयर बुक में, मैं वैसे कर रही हूँ ताकि आपको सिर्फ समझे। ठीक है, बाकी पेपर में आप जितना शॉर्टकट यूज कर सकते हो लिखने में, सम करने में, आप उतना करना। ठीक है, दिनेश की जगह पे डी लिख दिया, खाली यहाँ सिर्फ दिनेश लिख के इक्वल्स करके कर दिया, वो आपकी यूज। ठीक है, दिनेश का शेयर कितना है? 1/5, है ना, 1/5। अब क्या होगा? रिमेनिंग लोगों का शेयर कितना होगा? रिमेनिंग लोगों का शेयर कितना होगा? 4/5, है ना। रिमेनिंग लोगों का शेयर कितना होगा? 4/5। लेकिन हमें रिमेनिंग लोगों का शेयर निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सीधी सी बात है, उन्होंने बोला था क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कि इक्वली शेयर कर रहे हैं लोग, है ना। अक्षय का शेयर कितना है? तो 1/5 की जगह बाकी वो रिमेनिंग शेयर नहीं निकाल रहे हैं। उसका ओनली रीजन है कि उन लोगों ने डायरेक्टली बोला है क्या? दे शेयर इक्वली। पिछले सम में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि वो नया प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया था, इसलिए हम लोगों ने 1- करके निकाला, है ना। पिछले सम में हमने क्या किया था? 1 - 1 किया था। इस सम में हम नहीं कर रहे वो खुद ही बोल रहा है, सब मेंशन कर रहा है कि आपको क्या करना है, इक्वली सैक्रिफाइस करना है अक्षय का शेयर और भारती का शेयर। अक्षय का शेयर कितना है 3 है ना, डिवाइड बाय 3 + 2 कितना होता है 5। वैसे ही भारती का शेयर कितना है 2 / 5। 5 कहां से आया 3 + 2 पर, है ना। अब ये तो हमें तीनों का पता था क्वेश्चन में। अब उसने क्या बोला है इक्वली शेयर करो, है ना। उसने क्या बोला है इक्वली शेयर करो, सबको इक्वली शेयर करना है, यानी इनका रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा, इनको अगर इक्वली मेरे को देना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी इक्वली देने के लिए, मैं क्या करूंगी यहाँ पे इक्वल मतलब 1:1, है ना। इक्वल मतलब अक्षय और भारती का इक्वल बोला है, यानी 1:1 बोला है ना। तो 1 इधर भी 1। अब डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सिंपली सोचिए क्या आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा रखूं जो तीनों में कॉमन, और तीनों में ऑलरेडी कॉमन कितना है 5, है ना। तीनों में ऑलरेडी कॉमन कितना है 5, तीनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी तो कॉमन है, लेकिन मेरे को अभी नया डिनोमिनेटर ढूंढना पड़ेगा इन दोनों की वजह से। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दू, मैं तीनों को क्या कर रही हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रही, मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से। डिनोमिनेटर क्या बना देती हूँ 10 बना देती हूँ। ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो, 5 के मल्टीपल का कोई भी डिनोमिनेटर बना सकते हो, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 × 2 = 10, और इधर भी 5 × 2 = 10। और इधर भी आप क्या कर दोगे, आप नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करोगे, है ना। नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा ना, खाली नीचे थोड़ी मल्टीप्लाई करते हो, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे, है ना, सिंपल। चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 × 2 = 5 × 2 = 10, क्लैरिटी आ जाए। सेम जगह पे नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आप इतने में कंफ्यूजन। 1 × 2 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10, -1/10, -1/10। तो आप पूछोगे मैम आपने इधर 1 कहाँ से लाया, क्योंकि वो भी बोला था इसलिए लाया, इसलिए मैंने दिनेश का शेयर 4/5 करके नहीं निकाला था जैसे हमने लास्ट में किया था, है ना। और आपने इधर 10 डिनोमिनेटर कैसे लाया, जरूरी नहीं है आप 10 लेके आओ, 5 था ना तीनों का डिनोमिनेटर, तो मैंने क्या सोचा 5 का कुछ मल्टीपल सोचा, 5 का कोई ऐसा टेबल का नंबर सोचा जो 5 की टेबल में आता हो। मैंने सोचा 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते इजी हो जाएगा, 10 बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/10। इसका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो 6 - 1 = 10, इसका क्या हो जाएगा 4 - 1 / 10। चलो आंसर ही रहेगा 6 - 1 = 5, 5/10, 4 - 1 = 3, 3/10, ठीक है। अब तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तीनों का शेयर निकल गया, है ना, तीनों का शेयर निकल गया ना। तो तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल है ना, तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, new profit sharing ratio is equals to 2 नहीं लिखते यहाँ पे पहले, क्यों, पहले किसका शेयर लिखते हैं, पहले पुराने पार्टनर के शेयर लिखते हैं ना, पहले न्यू का तो नहीं लिख सकते ना। पिछले सम में भी हमने क्या किया था, पहले पुरानों का लिखा था, है ना। पिछले सम में भी हमने पहले पुराने से लिखना शुरू किया था, इस सम में भी सेम करती, पहले पुराने से लिखना शुरू किया। पुराने पार्टनर कौन है, अक्षय और भारती, है ना। तो 5 × 3 × 2। अब न्यू पार्टनर क्या है 2, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 5 × 3 × 2, ठीक है। आई होप ये सम आपको क्लियर है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सम में एक नई चीज क्या थी, ये सम में क्योंकि उन्होंने बोल दिया था इक्वली शेयर करना, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा, दिनेश के शेयर को चेंज नहीं करके मेरे को इक्वली के हिसाब से मेरे को उनका शेयर चेंज करना, ठीक है। आई होप ये टाइप का सम आपको क्लियर है। डोंट यू वरी, आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो आपको लगेगा थोड़ा, लेकिन मैं आपको सारे टाइप के सम कराना चाहती हूँ, पेपर कोई भी टाइप का सम आ जाए तो आप कर पाओ। और देखिए कोई भी सम होता है ना, तो वो सिर्फ कैसे आता है, वो बार बार प्रैक्टिस करके आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं एक लेक्चर में 5 सम करा दिया और मैं बोलूंगी बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के सम्स हो गए। मैं और भी 2-3 लेक्चर इस पे लेके आऊंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, 10-12 सम हो जाए। 10-12 सम हो जाएंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ठीक है मेरे को ये सम्स आते हैं, मेरे को अब ये समझ में आने लगा, ठीक है। सो डोंट यू वरी अबाउट दैट, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इस क्वेश्चन में नई बात क्या सीखी, ये इक्वली वन, इसने स्पेशली मेंशन कर दिया था इक्वली ही करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1:1, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अंशु एंड नीकू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है अंशु और नीकू का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो क्या है उनका, 3:2। They admitted Joti as a new partner for 3/10 share. अब Joti का शेयर कितना है, 3/10, हाँ, which she acquired. अब ये 3/10 शेयर उसको कैसे मिला, 2/10 from Anshu and 1/10 from Neeku. पिछले समय में 1:1 दिया था, अब यहाँ पे क्या बोला है, 2/10 और 1/10 दिया, ठीक है। अच्छी बात है, डायरेक्टली दिया जाए उस हिसाब से सॉल्व करेंगे ना। Calculate the new profit sharing ratio of Anshu, Neeku and Joti. चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, यानी ये सब सेकेंड सम जैसे ही है। सबसे पहले तो ज्योति का शेयर कितना है, स्टार्ट हमेशा न्यू पार्टनर से होती है। ज्योति का शेयर कितना है, 3:10, है ना। आशु का शेयर कितना है, अंशु है सर, अंशु का शेयर कितना है, 3/3 / 2, 5। और नीतू का शेयर कितना है, पहले तो ये काम करता, नीतू का कितना था, 2/5। 5 कहाँ से आ रहा है, जो कि ओल्ड रेशो है, उन दोनों नंबर्स को प्लस कर दो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, इसका डिनोमिनेटर 10 है, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 5 है ना। इसका 10 है, इसका 5, लेकिन मैं क्या करूंगी, माइनस करूंगी, किससे, इन दोनों के शेयर्स। क्या है इसका, अंशु का शेयर कितना था, उसने कितना सैक्रिफाइस किया है, 2:10। उसने अंशु ने कितना सैक्रिफाइस किया, 2:10। और नीतू ने कितना सैक्रिफाइस किया, 1:10, ठीक है। चलो करो, ये तो वैसे का वैसे ही रहे तो भाई 3:10 इसको कुछ किया ही नहीं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, जब भी आपको माइनस करना होता है ना, ठीक है, दो चीजों को तो माइनस करने के लिए उन दोनों का किसी भी फ्रैक्शन को माइनस करना है ना, तो उन दोनों का क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है क्या, तो करना पड़ेगा। 5 को मैं क्या करूँ, क्या आंसर 10 आ जाए, उससे मल्टीप्लाई नीचे किया तो करना पड़ेगा। इधर भी 5 को मैं क्या करूँगी, 10 आ जाए, मल्टीप्लाई नीचे किया तो वो भी करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो आंसर 3 × 6 / 10 × 2 = 10 और -2 / 10, और 2 × 4 / 10। चलो भाई, हाँ इसका तो सेम ही रहेगा, इसको तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर इक्वल है तो साथ में लिख सकते हो, 6 - 2 / 10 4 - 1 3 / 10, कॉन्फिडेंस के लिए मैं ऐसे बच्चों के जैसे लिख रही हूँ, तो बच्चों के जैसे एक एक चीज लिख रही हूँ। आप डायरेक्टली भी माइनस कर सकते हो, आपको है ना 4 - 1 डायरेक्टली 3 लिख सकते हो। मैं आपके लिए, आपके समझाने के पर्पज के लिए मैं ये टाइम पास कर रही हूँ। 3 / 10, 6 - 2, 4, 10, 4 - 1, 3 / 10। आ गया इनका रेशियो। आ गया ना इन तीनों का रेशियो। तीनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया इनका। 4 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल्स टू, सबसे पहले किसका लिखेंगे? अंशु का, फिर नीतू का, फिर ज्योति का। अंशु का कितना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 4। नीतू का कितना है? 3। और ज्योति का कितना है? 3। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। सेकेंड और थर्ड सम सेम ही था, सिर्फ वहां पे सेकेंड सम में इक्वली बोला था तो हमने यहाँ पे 1:1 रखा था, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली उसने 2:10 और 1:10 बोला था, इसलिए यहाँ पे ये नंबर दिया। ठीक है, और ज्योति के शेयर को हमने चेंज ही नहीं किया था इस सम में। इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 10 था और बाकी दोनों का तो 10 हमने किया है ना, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आई होप ये सम क्लियर है, थर्ड सम। बड़े आगे चलिए फोर्थ सम पे आते हैं। यहाँ काम करते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ सम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। ठीक है, सो डोंट बी वरी। आज के लिए 3 सम भी बहुत ज्यादा है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो। ठीक है, इतने टाइम बाद इन सम को कर रहे हो तो आपके लिए ये सम भी ज्यादा है। आज 3 सम करते हैं, आगे फिर मैं और 3-3 सम करा के और कम से कम 12 से 15 सम आपको करा दूंगी। धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।